रविवार को पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम रही। सीधी में मकर संक्रांति का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जिले के गौघाट में मकर संक्रांति का मेला लगा। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सोन में आस्था की डुबकी लगाई। मेले में काफी संख्या में बच्चे, बूढ़े और जवान उमड़े। कईयों ने जहां झूलों का आनंद उठाया, वहीं व्यंजन के शौकीन लोगों ने मिठाइयों का आनंद उठाया। लोग जहां कुल्फी के चटकारे लगाते दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर समोसे एवं जलेबी का भी भरपूर आनंद उठाया। इस मेले का पूरा जायजा लिया हमारे सीधी संवाददाता ने। नमस्कार, मैं सूरज शुक्ला, मैं मौजूद हूँ अभी सीधी जिले के गौघाट में। गौघाट जहाँ गौघाट एक ऐसा घाट है जो सोन नदी के किनारे पे बना घाट है, और ये यही सोन नदी है जहाँ पे खड़े हैं। आज ये मकर संक्रांति का आज त्यौहार है, और जैसा कि आज मकर संक्रांति के दिन पूरे जिले ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं वहाँ से लोग सोन नदी में आकर नहाते हैं, और आज ही के दिन जो है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, यहाँ पे लगातार जो है हजारों की संख्या में लोग आकर सोन नदी में नहाते हैं, और यहाँ पे मेले लगे रहते हैं। मेला में यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, आप घरेलू सामान से लेकर, आप कहा जाए तो किचन के सामान से लेकर खाने। मकर संक्रांति के त्यौहार में सोन नदी में आज जो आप स्नान करने आए हैं, मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रामपति यादव। रामपति जी, आज क्यों आए हैं आप इस सोन नदी के घाट में? कहावत है यहाँ नहाने की काहे की मान्यता, क्यों नहाते हैं लोग यहाँ पे आकर? सोन माता यही है नहावा जाते हैं, आज के महोत्सव नहाने के लिए। आप रोज नहा आज के दिन का मतलब नहाना जरूरी है। कब से नहा रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, हम कब तक जन्म? कितने साल हो गए लगभग? अरे हो गए कम से कम आज। क्या कहना चाहेंगे आज आप मकर संक्रांति के अवसर पर समाज के लिए? सब लोगों को है। जैसा कि बाबा जी ने बताया यहाँ पे कि जो नहाने का हमारा उद्देश्य, हम आते हैं अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, हमारी बहनें हैं, जो परिवार है सब आते हैं, हम लोग मिलजुल कर यहाँ पे नहाते हैं। और एक आस्था का प्रतीक और मेला का अर्थ ही होता है कई लोगों की मुलाकात, और माना जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिश्ते भी लोगों के जुड़ जाते हैं। यहाँ पे लोग बच्चों के शादियाँ तक यहाँ पे फिक्स हो जाती है, यहाँ पे आके और सभी सगे संबंधी होते हैं। ये मेला है और सीधी का गौघाट जो है अपने आप में प्रचलित है। मकर संक्रांति पर इस मेले में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, कहीं भी तिल धरने को जगह नहीं थी। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। मकर संक्रांति मेला त्यौहार के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। जो घाट है सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना बना हुआ है, और पुलिस की जो गोताखोर टीम है, लाइफ उपकरण है, उनके साथ पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। अभी तक करीबन 1,00,000 के आसपास पब्लिक यहां आ चुकी है, जो अनुमानित आंकड़ा है। मेले में जहां लोगों ने सोन नदी में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मेले में जमकर खरीदारी भी की, क्योंकि गांव के लोगों के लिए ये मेले में कई तरह की जरूरी चीजें मिलती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीधी से सूरज शुक्ला की रिपोर्ट।